रिच द ऑर्किड होम स्टे पोदको रोटी गुन्द्रुकको अचार सेल रोटी छुर्पीको अचार यो छुर्पीको अचार चाहिँ मकैको भात ओ यो चाहिँ मकैको भात हो लो यो चाहिँ तामाको फिल्टर रुको चेक गरे ये हमारे ये देखो ये सो व्हाट्स पीपल दिस इज अर्जुन हियर एंड वन्स अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर तो कैसे हो गाइस आप लोग होप कि आप सब अच्छे होंगे रहना स्ट्रेंजर को धोने गए स्ट्रेंजर को नहलाना हुआ क्योंकि जंगू रीजन में काफी स्लैसी रोड कंडीशन पर हमने चलाया जैसे कि आपने देखा एंड यहाँ से स्ट्रेंजर को लेकर मैं जा रहा हूँ काली माटी गाइस अक्सर मैं दिखाता हूँ आपको वीडियोस में कि काली माटी हमारे एरिया का क्या कहते हैं तो वहीं पे जाना है ऑर्किड होम स्टे या ऑर्किड होम स्टे में विजिट करना है एंड आपको भी दिखाना है वहाँ का क्या सिनेरियो है। बस के बिना मेरा दिन शुरुआत नहीं होता है आज जब हम स्ट्रेंजर को निकालते हैं कहीं भी जाऊँ चाहे कितना किलोमीटर का भी हो बस पहनना जरूरी है। और यहाँ पर चेक करें हमारे रैक्स भाई रैक्स बाय बाय सी यू एंड द ऑर्किड होम स्टे वी आर कमिंग लाइक स्ट्रेंजर और हम अगर आप सिलगुड़ी से आते हो तो बिफोर घायाबारी आपको मिलेगा काली माटी जो कि वो होम स्टे समा बैठा हुआ है एंड अगर आप क्रिश्चियन होकर घायाबारी से काली माटी याद रखेगा इस काली माटी इम्पोर्टेंट नाम क्या कहते हो। सो दिस इज़ द जंक्शन कहो कुछ भी कहो वे टू गिद्दे पहाड़ ये याद रखे नया साल आने को है 2024 नया साल में कुछ तूफानी करते हैं ना क्या कहते हो आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस देने की कोशिश तो कर रहे हैं खुदा ना खास्ता किसी का नज़र ना लगे सही बता रहा हूँ किसी का नज़र ना लगे जो जैसा चल रहा है ना वो स्मूथली चले जो हमारे प्लान है ना वो सक्सेस हो यार लाइफ में यार मतलब भगवान ने अभी तक साथ तो दिए आगे भी देगा ऐसा उम्मीद करेंगे जरूर देगा क्यों नहीं देगा आप जो चीज़ दिल से करते हो ना वो होगा जरूर होगा। टू वी रीच दी होम स्टे मेरा लेफ्ट साइड पर जो ये हरा भरा प्लांट ही प्लांट आपको दिखा दे रहा है ना या दिस इज़ दी वन। सो गाइस रीच दी ऑर्किड होम स्टे एंड ये चेक कर सकते हो हमारे स्ट्रेंजर सो ये नाम याद रखना गाइस ऑर्किड होम स्टे। तो चलो एंट्री करते हैं दिल्ली लगाते हैं एंड हम एंटर कर चुके हैं ऑर्किड होम स्टे पर स्ट्रेंजर को यहाँ पे हमने रख दिए एंड यहाँ पर हमारे आंटी जी आंटी जी नमस्ते भाई वेलकम भाई लाइक थैंक यू आंटी एंड यहाँ पे ना गाइस एंट्रेंस पर आते ही ना महकता हुआ आपको प्लांट देखने को मिलेगा आंटी ये प्लांट तो पहले नहीं रोकन होगा देखिए गाइस हमारे ट्रेडिशन में ये बहुत ही खास माना जाता है आते हमें ना सिरू ने यहाँ पे वेलकम की ये देख सकते हो आप ब्यूटी आ जा यहाँ आ जा इसका मुँह किधर है मुँह चलो सिरू बेटा या बेटी है। आई हैव रीच द लोकेशन एंड आते ही ना मुझे यहाँ का एम्बियंस जो है ना वो सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ काफ़ी हम ना काफ़ी सारे होम स्टे जा चुके हैं बट यहाँ का कुछ अलग ही वाइब्स मिलता हुआ उससे पहले ये देखो सिरू को देखो हाथ दे ये तो लूट गया हमारे ऊपर प्यार हो गया हमें इनसे या इनको हमसे प्यार हुआ है पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो अभी अगर आप यहाँ के होम स्टे में आओगे ना तो सीरू के साथ मुलाकात होगा एंड आपका दिल ले लेगा सीरू से तो मिलाना हुआ आपको एंड हमारे ना होम स्टे के ऑनर हमारे आंटी जी से मुलाकात कराना है तो वन एंड ओनली हमारे आंटी जी भाई वेलकम छ भाईलाई मेरो यो अर्किड होम स्टे में हो अब मैले चाहिँ अब यो अर्किड होम स्टे चाहिँ अब नेपाली ट्रेडिसनल खानाहरूको लागि अब मैले चाहिँ अब यो गरिरहेछु हो तपाईँहरू आइदिनुहोस् खाइदिनुहोस् यहाँको वेदरहरू हेरिदिनुहोस् एकदमै राम्रो छ एकदमै चिसो चिसो हावाहरू छ यहाँनिर हो यही हो खासियत चाहिँ अब यहाँको चाहिँ अब यो अब चिसो चिसो ठाउँमा होइन हरियाली लाइक जो प्लेन्सबाट आउनेछ उनीहरूलाई अझै राम्रो फिल हुनेछ र इट्स वर्थ इट टु बी हियर अन्त आन्टीले चाहिँ स्पेसल अब डिस जो यहाँ प्रोभाइड हुन्छ जो तपाईँहरूलाई सर्भ गर्नेछ त्यो चिज बनाएर राख्नुभएको छ र आन्टी के बनाउनु भएको छ आज अहिले चाहिँ आज नेपालीमा चाहिँ मैले यो गुन्द्रुकको अचार छुर्पीको अचार किनेमाको अचार अन्त सेलरोटी यो के नेपाली यो के भन्छ चामल यो कोदोको यो रोटी अन्त ढेँडोहरू छ अन्त त्यहाँबाट यो मकैको भात छ। सो गाइज बेसिकली ये कि अगर आप दूसरे जगह से आते हो नहीं लोकल फूड टेस्ट करना चाहते हो ना तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये चेक करें दिस इज सेल रोटी आई गेस अंत अचार ये गुंद्रुक का अचार आंटी अचार
कोदोको रोटी ओके कोदोको रोटी गुन्द्रुकको अचार सेलरोटी अन्त यहाँ छ हाम्रो यो छुर्पीको अचार यो मुलाको अचार यो चाहिँ हो मुलाको अचार यो कालो दाल यो कालो दाल यो ढेँडो कोदोको यो चाहिँ ढेँडो है यो टिम्बुरको अचार टिम्बुरको अचार यो चाहिँ मकैको भात ओ यो चाहिँ मकैको भात हो हजुर ओके र यो सबै चाहिँ यहाँनिर प्रोभाइड हुन्छ कोहीले अगर लोकल टेस्ट गर्नु चाह्यो भने लाइक यस्तो हुन्छ नि त अब बाहिरबाट जो आउँछ नि आन्टी उनीहरू चाहिँ अब कतिले चाहिँ अब लोकल फुड नै ट्राई गर्नु गर्छु भनेर आएको हुन्छ नि त हजुर सो त्यो चिज चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ दिनुहुन्छ हजुर हजुर सबैको सुविधा छ सबैको सुविधा छ हजुर मेन सुविधा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यो पार्किङ गरेर हिँड्नु परेन क्या कति ठाउँमा चाहिँ पार्किङ गरेर पाँच मिनट हिँड्नु पर्छ नि उकालो ओह्रालो पार्किङ गरेर बट तपाईँहरूको चाहिँ एकदम हाइवेको बिचोबिच एकदम सही लोकेसनमा छ यो चाहिँ आन्टी दिने यहाँ रुम खोलिदिए सो दिस इज दि रुम जो कि अब रुम चाहिँ आन्टी सबै जग्गा एउटै हो यो चाहिँ यो फ्यामिली रुम हो यो चाहिँ फ्यामिली रुम हो अनि यहाँ टोइलेट बाथरूम सबै सुविस्ता छ है सो यो चेक गरे गाइस जो मॉडर्न फैसिलिटीज है गाइस वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइक कोई टेंशन नहीं कोई झंझट नहीं बस आना है यहाँ का मौसम का लुफ्त उठाना है एंड इस होम स्टे में बैठ करना है लोकल फूड ट्राई करना है काफ़ी कुछ कर सकते हो दोस्तों के साथ बैठ कर चिल कर सकते हो द एम्बियंस मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस एम्बियंस मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके का एम्बियंस यहाँ पे होगा कहकर बट टोटली डिफरेंट लग रहा है मुझे इट्स खूबसूरत क्या कहते हो एंड अभी ना ऊपर की ओर चलते माथि जाऊँ ना यहाँ चाहिँ एउटा रुम तल भयो फ्यामिली रुम भाइ मेरो सरप्राइज पे सरप्राइज यहाँ पे भी ये देख सकते हो दूसरा एम्बियंस यहाँ पर खड़ा करता हुआ यहाँ से व्यू चेक कर सकते हो गाइस इट्स ब्यूटीफुल और यहाँ पे आके कहना देसी ब्लॉगर का घर ये पहाड़ से उस पार है ठीक है ये कहना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो देसी ब्लॉगर का घर ये पहाड़ के उस पार है एंड आप आ भी सकते हो हाँ अगर मैं रहूँगा तो मिल सकता हूँ मैं मिलूँगा अगर मैं काम पे जाता हूँ या टूर पे करता हूँ तो वो अलग बात है बट आप आके लुफ्त उठा सकते हो क्योंकि यहाँ से क्या दिखता है पता है यहाँ से टॉय ट्रेन का ट्रैक भी दिख रहा है साथों साथ नीचे चाय बागान भी दिख रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा गांव एंड दो चार घर है एंड इसके उस पास सिबिटार बागमारा जो कि हम अक्सर जाया करते एंड काफ़ी बार आपको दिखा चुके सो दैट इज़ महानदी महानदी का भाग है हमारे गहरी गाँव इस पहाड़ के उस पास छुपा हुआ है पहले हम ना इस रूम पर चलते रूम पर ना गाइस मतलब चलते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए होता है एक रूम के अंदर वो सारा की सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है सबसे पहले हाइजीनिक जो क्लीनिनेस है वो साफ सुथरा है गाइस सो चलो गाइस लू के ऊपर लू के अंदर आप बॉय था है ना हम सब दिखा देगा सो दिस इज द लू आउट हियर सो ये भी चेक करें मतलब एक्चुअली जो हाइजीनिक हमें चाहिए होता है ना टूर के दौरान थक के जब आते होम स्टे या किसी भी लाइक रूम बुक करते हैं ना हमें साफ सुथरा चाहिए होता है तो वो चीज़ यहाँ पे दिखता हुआ मुझे ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ के ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये है ऐसा आप आओगे ना तो पछताओगे नहीं इट्स वर्थ इट ये देख सकते हो एंड हैंडसम दिखने के लिए ना गाइस एना भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है बाल थोड़ा मिलाना पड़ेगा लग रहा है यार क्या करूँ मिलाओ कि ना मिलाओ बताना कमेंट सेक्शन में और दूसरे रूम के अंदर चलते ये देख सकते हो इट्स लवली ओके ये चाहिए माउंटेन व्यू दिस इज माउंटेन व्यू खूबसूरत वंस अगेन एंड वो देख सकते हो जोक माया टी गार्डन इट्स ऑसम टॉय ट्रेन हजार मुझे एक्चुअली दिखाने का दिल कर रहा था एंड साथों साथ टॉय ट्रेन ने भी यहाँ पे ना अपना दर्शन देता हुआ तो यहाँ पे आके ना इसका भी लुफ्त उठा सकते हो आप सही बता रहा हूँ बस आने देते टॉय ट्रेन को ठीक है दार्जिलिंग का सान टॉय ट्रेन ये देख सकते हो एंड इस पास से भी दिखाते हैं आपको ये देख सकते हो दिस इज़ दी NH 55 एंड वो जा रहा है टॉय ट्रेन हमारा दार्जिलिंग का सान खूबसूरत प्यारा कई सारे होम स्टे होटल्स हम बैठ चुके बट इस तरीके के फिल्टर हमने कभी नहीं देखे लाजवाब बेमिसाल आपको दिखाना बनता है पानी भी पिए के आपको दिखाएंगे सो चेक दिस आउट ये देखते हो ये पानी खाएको छ राम्रो आन्टी है यो चाहिँ पितलको है तामाको ए तामाको पानी खानुपर्छ नि ओके गाइज लो यो चाहिँ तामाको फिल्टर सो क्युट एन्ड यो सिर्फ दिखावटीको लागि नै दिस इज नट ओन्ली फर सो केस यहाँ पे ना ये ग्लास को उठा कर पानी डालकर ये देखो
और ये इसको पानी खायो भने चाहिँ अब शरीरको रोगहरु चाहिँ हराउँछ क्या राम्रो भन्छ राम्रो हुन्छ हजुर हामी त यही खान्छौ पानी हजुर यही खान्छौ हजुर बेलका डेली बेलका त डेली खान्छौ हामी सो यो चाहिँ गेस्टहरुलाई पनि एकदम अ गेस्टहरुले एकदम खुसी हुन्छ नि यस्तो पानी देखेर यो तामाको भाँडामा पानी देखेर त हजुर हजुर खानुलाई क्या खान्छ उनीहरुले सो ये भी मुझे युनिक चीज यहाँ पे दिखाई दी सही बता रहा हूँ गाइस ऐसे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा एंड उनमें से एक यहाँ पर ऑर्किड होम स्टे पर एंट्री होने सुविधा मेन अब तब हिड़न से पड़ेन क्या अब यह हाईवे बाटोक छेव में अब ये चेक करें गाइस इट्स ब्यूटिफुल राइट सो दिस इज दार्जिलिंग का सान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिंस 1881 वर्ल्ड हेरिटेज साइट टॉय ट्रेन संदकफू हेरिटेज कोच एवरेस्ट हेरिटेज कोच फालूट हेरिटेज कोच शिवशंभू शिवशंभू कस्तो डरा दुई हजार छ भन्दै सो दिस इज आल्सो द माउंटेन व्यू एंड रुपया हमारे साथ जाते हुआ ओके गाइस यहाँ पे रुकेगा ना तो आप ऊपर से टॉय ट्रेन का लुफ्त उठा सकते हो अभी ग्राउंड फ्लोर में आके ना हूबहू ट्रेक का भी लुफ्त उठा सकते हो लाइक बाय द गो ट्रेन जब जाते हैं ना उसका भी लुफ्त उठा सकते हो क्या कहते हो सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर वाले रूम एंड ये भी सही है बढ़िया है चकाचक टीवी है मेरे पीछे एंड स्पेशियस है काफ़ी सो अटैच टॉयलेट बाथरूम भी विद अटैच टॉयलेट बाथरूम ये देख सकते हो एंड दिस इज वट आई लुक फॉर जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो हाइजीन होना मांगते हैं स्पेशली लू के अंदर तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे इट्स ब्यूटीफुल हर एक फ्लोर में गाइस ये चीज़ फिल्टर आपको दिखाई देगा एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के साथ साथ ये भी चेक करें मेन्यू यहाँ का अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो क्या क्या आपको मिलेगा लाइक सिवाय लोकल फूड का अगर आपको लोकल फूड टेस्ट करना है तो वो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ है एंड साथ साथ उसके अलावा मेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार पोस्ट करके देख लेना ठीक है क्या खाने को दिले आने से पहले ऑर्डर कर देना एंड आके खाना एंड मस्त यहाँ का ना सिनारियो व्यू का लुत्फ उठा के जाना क्या कहते हो वैसे कैसे बुकिंग करते ना गाइस वह हम ना आंटी जी के साथ गुप्तगु करते कि लाइक यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कहकर वैसे आई नो कि मुझे नंबर तो देना पड़ेगा आंटी नंबर से कौन से दिने नंबर तो अब यही हो मेरो अब ते मलाई तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नु भाइलाई कन्ट्याक्ट गरेको नम्बर नै अब मलाई चाहिँ अब गर्नु पर्यो सो गाइज अगर आप देसी ब्लॉगर कहकर आओगे ना तो यार कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स तो मिलना चाहिए ना तो आंटी भन्नुस् ना लाइक हुन्छ अब भाइको तर्फबाट चाहिँ अब म आएछ भने चाहिँ अब 10% चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई उयो गरिदिन्छु तो देसी ब्लॉगर का नाम लेना गाइस 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड साथों साथ व्यू का लुत्फ उठाने का भी मौका मिलेगा यार इंटायर कृषिंग रीजन में आपको ना घूमने के लिए ना बहुत जगह है ऐसे तो आप यहाँ पे आके रुक कर आराम से रेस्ट होकर चिल्ड कर दोस्तों के साथ मज़े कर कर घूम सकते हो आराम से स्पेशली नियर बाई सराउंडिंग एरिया में हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए कोई टेंशन नहीं है मुझे बुलाना मैं भी घुमा दूँगा ये चेक करें सो दिस इज राई को मासु कौन के को सुगुटी आंटी हो राय को बफ बफ सुगुटी सो ये चेक कर सकते हो राई को मासु से है नहीं वैराइटीज ऑफ डिशेज यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ एंड अगर आप आते हो ना तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो लोकली अगर आपको टेस्ट करना है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा मकई को भात यो सुगर पेसेंट को लागि राम्रो हो हजुर सुकुटी रायोको सागसँग हजुर साग त केही हुँदैन हजुर यो चाहिँ ढेँडो गुन्द्रुकको अचार हेर्नुहोस् त यो यस्तो प्रकारले डल्ले खोर्सानी लसुन लगाएर चाहिँ मैले बनाएको अनि यो सेलरोटी अनि यो कोदोको रोटी गाइस यहाँ देख सकते हो आन्टीले इतने प्यार से हमें ना लन्च यहाँ पे परोस कर दे रखे टिम्बुको अचार सो ये चेक करेको ये यहाँ पे ना पूरा ये लोकल है एक्चुअली सो दिस इज लोकल डिश आउट हियर जो कि अभी हम खाकर टेस्ट कर आपको बताएंगे कि कैसा है टेस्ट डेफिनेटली यार मतलब अच्छा होगा आई नो
सो चलो इट्स लंच टाइम, बातों बातों में लंच करने यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा मूला का अचार भी यहाँ पे आंटी अपना प्यार बरसाता हुआ हमें पहला स्पून खा लेते हैं, ठीक है? क्या कहते हो? मकई का जो राइस है ना, ये मैं भी पहली बार खा रहा हूँ, उसे बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे गेस्ट होटल में ये खाना होनी है? यही हो, गेस्ट होटल। ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ कहकर स्पेशल खाना मेरे लिए कहकर, नहीं, आप भी आओगे ना तो आपको यही टेस्ट यही खाना मिलेगा, एंड जरूर आके टेस्ट करना यहाँ का लोकल फूड। भाई जब से आया हूँ सिरों को चेक करे, ये हमारे, ये देखो, ये आज आज पीछे पीछे बस हमारे पीछे घूम रहे। सो ये चेक करें, विंटर सॉक्स जो कि हमने सर्चों पे खरीदे थे वो अभी तक यहाँ पे काम आता है। इनफैक्ट 12 बजे के बाद ना आज यहाँ पे मौसम चेंज हुआ, काफ़ी ठंड यहाँ पे गिर चुका है अभी, एंड इट्स 5:30 इन द इवनिंग गाइस। हम पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे पर, द ऑर्किड होम स्टे विच इज़ इन कालीमाटी नियर बाई घायबारी, यानी कि हमारे गांव के हेलो। एंड अगर आप आने को प्लान कर रहे हो ना तो डू विजिट दिस प्लेस, एंड जो इवनिंग वाइब्स है यहाँ का, जो लाइटनिंग है ना, मतलब चार चांद लग रहा है यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। एंड स्पेशली वीडियो में अभी घर जाकर वापसी आकर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था ना गाइस यहाँ का वाइब्स, यहाँ का सिनारियो, इवनिंग सिनारियो, इवनिंग कुछ भी कहो, इट्स रियली ऑसम टू बी हियर। एक्चुअली चार चांद इसके वजह से भी हो रहा है क्योंकि ना प्लांट को चेक करें, आंटी ने काफ़ी मेहनत करके ना ये उगा रखे, सो ब्यूटीफुल। सो पता नहीं कॉपीराइट के शायद यहाँ पे सीन होता हुआ आगे, क्योंकि घर के उस पार ना शादी हो रखा है तो म्यूज़िक काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। सो दिस इज़ द नाइट एम्बियंस ऑफ हियर, ये देख सकते हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रात हो चुका है बल्कि इट्स रात, बट यहाँ का जो लाइटनिंग है ना, ऐसे बता रहा हूँ, इट्स नेक्स्ट लेवल। सिरू हमारा पीछा नहीं छोड़ता वो। सो दिस इज द हाईवे ऑफ दियर एंड ये रहा लाइटनिंग। सो सिक्योरिटी रीजन के लिए ना गाइस सीसीटीवी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ भी डाउट करने का जरूरत ही नहीं, कुछ भी होगा ही नहीं, लाइक होने नहीं देंगे हम। सो ये चेक करें गाइस, इट्स ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दियर। अगर बाहर से दिखा है ना तो कुछ ऐसे, दिस इज़ दी होम स्टे गाइज, ये रात को चमकता धमकता हुआ, सही बता रहे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो लाइटिंग यहाँ पे दे रखे है ना, इट्स टोटली ऑसम एंड नेक्स्ट लेवल, इट्स ब्यूटीफुल। आंटी को अरू चाहिए मलाई प्लांट चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईको प्लांटहरू, क्या बहुत उयो गर्नुभएको रहेछ तपाईँले होइन, यो चिजले पनि राम्रो देखाउँछ नि त एउटा, हजुर। सो दिस इज दि होम स्टे दि अर्किड एन्ड प्लान्ट देख सकते हो काफ़ी सारे, जो लोग प्लान्ट को पसन्द करते ना, जो पढ्ना चाहते हो वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, डिजिज लाग्नु पऱ्यो। वेलकम छ सबैलाई, तपाईँहरू आउनुहोस् हो, यहाँनिर मेरो होमस्टेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ, राम्रो छ तपाईँहरू, म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नेछु। हजुर हजुर, एन्ड आई नो हस्पिटालिटी के मामले में ना टॉप नॉच होगा ये आंटी का वादा, एंड मुझे जिस हिसाब से उन्होंने होमस्टे को बना के रखा है ना, आई थिंक इट्स नेक्स्ट लेवल एंड खूबसूरत, क्या कहते हो? आई डू रिकमेंड यू गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम नंबर पता सब कुछ दे रखे, कॉल कर लेना एंड मेरे नाम लेना, 10% डिस्काउंट, फुली इंजॉय करना, क्या कहते हैं?